हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसईएम एंड वीबीएसईएम के बीच में डिफरेंस। सीबीएसईएम आपका कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग होता है और वीबीएसईएम वेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो सीबीएसईएम में क्या होता है ना, जनरली हम लोग थ्योरी टेस्टिंग करते हैं या थ्योरी को कन्फर्म करते हैं। हम लोग अपना मॉडल बिल्ड करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी टेस्ट करते हैं। थ्योरी टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारा जो है मॉडल फिट इंडाइसिस देखना पड़ता है, जैसे हमें गुडनेस फिट इंडाइसिस देखना पड़ता है, सीएफआई देखना पड़ता है, एजीएफआई देखना पड़ता है, वहाँ से काई स्क्वायर देखना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया होता है जब हम लोग मॉडल टेस्टिंग या थ्योरी कन्फर्मेशन के वक्त सीबीएसईएम में देखते हैं। सीबीएसईएम जनरली आपका लार्ज सैम्पल साइज के लिए अच्छा होता है, मतलब स्मॉल सैम्पल साइज में सीबीएसईएम अच्छा वर्क नहीं करता है। एंड ये रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट्स के लिए होता है, ना कि फॉर्मेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स के लिए। नाउ कमिंग टू VBSM, VBSM इज अ वेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज़ को, तो ये बेसिकली आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने बताया था CBSM आपका लार्ज सैम्पल साइज के लिए होता है, बट आपका VBSM स्मॉल सैम्पल साइज के लिए भी बेस्ट होता है। आपको मैं कुछ टूल्स बता देती हूँ जो VBSM और CBSM के लिए सूटेबल रहता है। CBSM में आप एमओज यूज़ कर सकते हो, वेर एज VBSM में आप स्मार्ट PLS यूज़ कर सकते हो। आजकल दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिहेवियरल साइंस स्टडीज़ में, जहाँ पर हम लोग मॉडल टेस्टिंग देखते हैं, मॉडल बनाते हैं और सारा फिट इंडाइसिस देखते हैं, अगर वो CBSM है। लेकिन अगर स्मार्ट PLS है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम लोग का रिलेशनशिप सही है या नहीं है। यहाँ पे PLS SCM के थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, बट CBSM में क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी टेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली मेन डिफरेंस यही था। और एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि CBSM आपका मेनली रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट से डील करता है, वेर एज VBSM मतलब स्मार्ट PLS में आप फॉर्मेटिव भी यूज़ कर सकते हो, रिफ्लेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगर आपको डिफरेंस भी जानना है फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट्स में क्या होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस में ले आऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।